हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अभिषेक, आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा ऑनलाइन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, उसका नाम है त्रिभुज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज से संबंधित समस्त जानकारी दूंगा। त्रिभुज का परिमाप, उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई तथा त्रिभुज से संबंधित समस्त फार्मूले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसको इसके नाम से ही समझेंगे हम लोग। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या हम लोग बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज में देखना, तीन भुजाएं होती हैं तो इसमें कितने कोण होते हैं? तीन ही इसमें कोण भी होते हैं, ए बी और सी। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाएं होती हैं तो इसमें कोण भी कितने होते हैं? तीन कोण होते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश। ये फार्मूला सवाल या क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। इसको अपन याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, नंबर एक भुजाओं के आधार पर, नंबर दो कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यह जानेंगे हम लोग। तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन प्रकार में ही बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा वह आपका कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो तीन में से कोई एक कोण 90 अंश का होगा। अगर किसी त्रिभुज का तीन में से कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा तो वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। और बचे हुए दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? वो भी 90 अंश होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश है तो वह आपका कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसके बाद आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक होगा। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक है तो वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये हो गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इसी के नाम से समझेंगे हम लोग। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएँ। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएँ समान होती हैं उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज की इस भुजा का मान ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है वही त्रिभुज का क्या होता है? परिमाप होता है। तो इसमें जो एक भुजा है उसका माप ए है, दूसरी का भी ए है और तीसरी का भी ए है, इसलिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। अब क्षेत्रफल देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है √3/4a² √3/4a². तो ए क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज की भुजा का माप। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2a। इसमें ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई। आइए आगे देखते हैं। अब अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है। तो ये कि ये मान लिया आपका है कौन, ये है आपका त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त, त्रिभुज की अंदर की तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा
उसे हम लोग बोलते हैं अंतः व्रत। त्रिभुज के तीनों कोनों को टच करते हुए जो व्रत बनेगा, त्रिभुज के तीनों कोनों को टच करते हुए जो व्रत बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग परिव्रत। ठीक है, त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है उसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और त्रिभुज की जो बाहवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, उसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करेंगे और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं अब इनके अंतःवृत्त और परिवृत्त निकालने के फार्मूले क्या होते हैं। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त निकालने के फार्मूले अब हम लोग जानेंगे। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का समबाहु त्रिभुज के लिए डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो होता है ए अपान टू रूट थ्री। ए अपान टू रूट थ्री होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए। अब ए क्या है, ए क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, अगर त्रिभुज समबाहु नहीं है तो हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है इसमें आर बराबर डेल्टा अपान यस। तो डेल्टा होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और यस, यस बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे हम लोग। अब आता है परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तब परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है ए अपान रूट थ्री। कितना होता है, ए अपान रूट थ्री। अगर परिवृत्त, जो परिवृत्त है वो समबाहु त्रिभुज में नहीं बना हुआ है, तब परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है कैपिटल आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। जो ए बी सी है ये क्या है, ये ए बी सी है त्रिभुज की भुजाएँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर अंतःवृत्त निकालना होगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के लिए होता है ए अपान टू रूट थ्री, परिवृत्त में समबाहु त्रिभुज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ए अपान रूट थ्री, और अगर वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है तो फार्मूला होता है डेल्टा अपान यस। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी आगे मैं बताऊँगा आपको, और यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये ए बी सी क्या है, ये हैं त्रिभुज की भुजाएँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब माध्यिका दी गई हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का की लंबाइयां दी गई होती हैं और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तब हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है फोर बाई थ्री अंडर रूट एम एम माइनस ए एम माइनस बी एम माइनस सी। इसमें देखते हैं एम क्या है, तो एम है ये एम बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एम बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और जो ये ए बी सी हैं ये आपके त्रिभुज में दी गई माध्यिकाओं की लंबाइयां हैं। ये आपके त्रिभुज की दी गई माध्यिकाओं की लंबाइयां हैं ए बी और सी, और एम बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो जब हमें त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हों और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फोर बाई थ्री अंडर रूट एम एम माइनस ए एम माइनस बी एम माइनस सी। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें इसके नाम से ही इसको समझेंगे। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें अगर इस भुजा का मान ए है तो इसका मान भी ए होगा, और इसका मान क्या होगा, बी होगा। ये मान डिफरेंट होगा, इसमें दो भुजाएं समान होंगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हैं, समान है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि परिमाप निकालने के लिए, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए समस्त भुजाओं का योगफल करते हैं हम। तो इसमें पहली भुजा ए है, दूसरी भी ए है, और पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, और तीसरी भुजा बी है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है ऊंचाई। किसकी आवश्यकता होती है, ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1 बाई टू इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। वन बाई टू आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या होगा, तो ये आपकी जो बी सी भुजा है ये हो जाएगा आपका आधार, और ऊंचाई ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो इस तरीके से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब असमान और बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो, वह त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए बनाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में भी यही फार्मूला होगा, परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसमें मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो परिमाप, परिमाप के लिए वही फार्मूला होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजा इसमें कौन कौन सी है, पहली एक्स है, दूसरी वाई है, तीसरी जेड है। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी या एस माइनस सी। अब हम लोगों ने यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयाँ एक्स वाई जेड मान रखा है, इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा अंडर रूट एस एक्स माइनस एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड, ठीक है। अब हम लोगों को यस कैसे आएगा, तो एक्स वाई जेड समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या है एक्स वाई जेड, क्या है एक्स वाई जेड, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। और जो यस है वो यस कैसे निकालेंगे, तो यस निकालने के लिए फार्मूला होता है यस, यस निकालने के लिए फार्मूला होता है यस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई टू। इससे हम लोग यस ज्ञात कर लेंगे, यस को यहाँ पे रखेंगे और एक्स वाई जेड तीनों भुजाओं, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं, तीनों को रख करके हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी त्रिभुज से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।